शेरघाटी के थोक गल्ला व्यापारी की दुकान व घर में शुक्रवार की सुबह 7 बजे हुई दिन दहाड़े डकैती की घटना को लेकर यहां के लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला। शहर के जेपी चौक से निकलकर गोला बाजार शुमाली मोहल्ला होते हुए नई बाजार थाना के समीप पहुंचकर प्रतिनिधियों ने थाना अध्यक्ष अजीत कुमार को ज्ञापन सौंपा। शांति मार्च में चल रहे राजनीतिक दल व व्यवसायिक संगठन के नेता, दवा विक्रेता संघ एवं अन्य सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। नगर पंचायत शेरघाटी के पूर्व चेयरमैन जयंत कुमार सिंह, नगर परिषद मुख्य पार्षद प्रतिनिधि पवन किशोर सिंह, राजद नेता प्रमोद वर्मा, भाजपा नेता संतोष कुमार गुप्ता, नगर परिषद शेरघाटी के पूर्व उपाध्यक्ष दीनानाथ पांडे, कांग्रेस नेता अजीत कुमार, दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष राजीव पाठक, सचिव सुरेंद्र प्रसाद, कोषाध्यक्ष एजाज आलम, व्यवसायी ताहिर हुसैन, अमृत अग्रवाल, ममनून अख्तर, संजय गुप्ता, सुशील कुमार गुप्ता, गुड्डू पांडे, पशुपतिनाथ पाठक, निशांत सिंह व मोहम्मद माजिद, कंचन गुप्ता, दिलीप अग्रवाल, ब्रजेश पाठक, मोहम्मद जावेद, सुजीत कुमार गुप्ता आदि सैकड़ों लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। दिए गए मांग पत्र में इनका कहना था कि यहाँ के व्यापारी वर्ग काफ़ी भयभीत हैं, लगातार हो रही आपराधिक घटना से शहर में दहशत का माहौल है, एक के बाद एक हो रही घटनाओं पर नज़र डालें तो हाल के दिनों में शेरघाटी न्यायालय परिसर में गोलीबारी की घटना, स्थानीय एसडीओ आवास के सामने सीएसपी संचालक से लूट, शेरघाटी से महज 100 मीटर की दूरी पर एयरटेल कर्मी को गोली मारकर 14,50,000 की लूट, दिन दहाड़े टोटो चालक द्वारा महिला से जेवरात की लूट और तत्काल रमना गांजा मोड़ के समीप कपूर ट्रेडर्स के मालिक रोहित कुमार और उनके परिवार से कैश व जेवर आदि की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। जुलूस के लोगों का कहना था कि यहां अपराधियों का हौसला बुलंद है, जबकि पुलिस प्रशासन लाचार दिख रही है। इधर थाना अध्यक्ष अजीत कुमार ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि वो जल्द ही इस डकैती की घटना का उद्भेदन करेंगे और कुछ ही दिनों में यहां पर बेहतर परिणाम आपके सामने होगा। इमरान अली, विजन आजकल। कल अगर हम घटना स्थल पर नहीं जाते तो कल मैं उसे पकड़ लेता, लेकिन आप लोग तो इतना हल्ला कर देते हैं ना कि घटना स्थल पर जाने उसके बाद भी वहाँ कुछ आदमी हमको घेर लिए। अच्छा, ये गलत। कल भी पकड़ा जाता। अच्छा, उस दिन अगर हम यहाँ घटना स्थल पर जाते तो उस दिन नहीं पकड़ाता। घटना स्थल पर हम दूसरे को भेजे हुए थे, फिर भी हमको कल जाना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि आप लोग चलाते हैं। कहीं ना कहीं अपराधी आपकी नज़र में तो नज़र में आ गया है। ठीक, आप लोग को ही नजर में भी आ गया है। फिर भी सर शेरघाटी सर के काम करने शेरघाटी वासियों को क्या आश्वासन देंगे सर? शेरघाटी के लोगों को क्या आश्वासन? अपराधी के साथ क्या कर रहे हैं? हम अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, करती रहेगी। हमारे यहाँ 4 घटना हुआ है, चारों डिटेक्ट हुआ है। 4 घटना हुई है ना, मैंने चारों डिटेक्ट किया, इसको भी डिटेक्ट कर लिया गया है, पकड़ना बाकी। कब तक हो जाएगा सर? आप देख रहे हैं विजन आजकल और मैं हूँ इमरान अली। व्यूअर्स, आपको मैं दिखाता हूं एक नज़ारा शेरघाटी का, एकता के व्यवसायियों की एकता, जनप्रतिनिधियों की एकता, हर धर्म समुदाय के लोगों की एकता, जो एकता आज दिखाई दी है, इस एकता की शेरघाटी को बहुत ज़रूरत है, चाहे वो विकास का मामला हो या अपराध का मामला। इस तरह की एकता अगर शेरघाटी में रही तो आने वाले समय में शेरघाटी के लोग अपना हर काम आसानी से करा सकते हैं, और आज ये सबूत दिया है शेरघाटी के लोगों ने। आज जो मौन जुलूस निकाला गया शेरघाटी के जयप्रकाश पार्क से, जेपी पार्क से, वहाँ से शुरुआत करके आपने देखा शेरघाटी के तमाम लोग, तमाम व्यवसायी अपनी दुकानों को, छोटी बड़ी दुकानें, तमाम दुकानें यहाँ की आज बंद रही, और तमाम दुकानों यहाँ पे बंद रही, और दुकान के तमाम व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और शहर के आम नागरिक इस मौन जुलूस में साथ रहे और इकट्ठा रहे, और वो यहाँ आज शेरघाटी थाने में आकर उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है कि पुलिस इस तरह की आपराधिक घटनाएं हो रही, लगातार आपराधिक घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करे, और नहीं तो उनका आंदोलन और आगे तेज़ होगा। हम आपको सुनाते हैं उन तमाम प्रतिनिधियों की बात जो वो अभी बता रहे थे, सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, या जिस तरह की लगातार घटनाएं हो रही हैं उसके खिलाफ क्या कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। पूरे के पूरे शेरघाटी के लोग शॉक्ड हैं, डिप्रेशन में है, उससे प्रशासन को उबारना ही पड़ेगा। इसी के लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा शेरघाटी बंद बुलाया है, और प्रशासन को हम लोग ज्ञापन देंगे, CMO PMO जहां तक जाना हो वहां तक जाएंगे, और शेरघाटी में 2 आउटपोस्ट बनाने की मांग कर रहे हैं हम लोग। और मतलब पूरा आज आप जो देख रहे हैं,
100% दुकान बंद है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग किस तरह से परेशान हो चुके हैं। अब व्यापारी कितना आतंकित हो चुका है, व्यापारी कितना परेशान हो चुका है। चलिए आगे बढ़िए। तो आप देख रहे थे ये पवन किशोर जी, कुछ हमारे साथ और व्यवसायी हैं जो कि इस मांग को लेकर साथ चल रहे हैं। क्या कहेंगे आज जो ये घटना हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये मतलब बहुत बड़ा घटना घटी है। इसके आक्रोश में हम लोग मौन जुलूस निकाले हैं। सरकारी सारे व्यवसायिक संघ के लोग, सारे लोग इसमें सारे वर्ग इसमें, बिजनेस जो भी जितने भी व्यवसाय हैं, सब लोग इकट्ठे होकर पुलिस से मांग करेंगे कि अपराधी को कठोर कदम उठाएं, अपराधी को जल्द से पकड़ा जाए, इसका सजा मिला जाए। बहुत बहुत कड़ी निंदा मैं करता हूँ जो घटना। क्या लग रहा है आप लोग को इस तरह से व्यवसायी आतंकित महसूस कर? बिल्कुल हम लोग बहुत डर महसूस कर रहे हैं। इस तरह घटना लगातार हो रही है ना, ऐसे एक हफ्ते पहले भी किसी व्यापारी का पैसा छुना गया है। ये गाड़ी रुक नहीं रही, मतलब आए दिन मतलब घटना घट रही है। प्रशासन बिल्कुल सोए हुई है, प्रशासन को मतलब जो है जगने की जरूरत है, कठोर कदम उठाए प्रशासन। जिस देखिए जहाँ तक व्यवसायी वर्ग के लोग साथ चल रहे हैं, वहीं जनप्रतिनिधि भी इस आंदोलन में साथ हैं। क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे कि जो शेरघाटी में हो रहा है उसको पर प्रशासन जो है कड़ी नजर रखे। थोड़ा सा अभी तो हम लोग तो अभी मार्च जो कर रहे हैं, काला बिल्ला लगा करके मार्च कर रहे हैं। अगर प्रशासन ध्यान नहीं दिया शेरघाटी पर, जो लूट का बढ़ा हुआ है लूट, उस पर ध्यान नहीं दिया तो थाना के पास हम लोग धरना देंगे। इसके बाद अगर मान जाता है तो ठीक है। और पुलिस प्रशासन जो है, पांचवा कांड ये हो गया है, बड़ा बड़ा कांड हो रहा है, उस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। किस तरह की घटनाएं हो रही है? घटना है, कोर्ट में गोली चली, फिर आपको के पैलेस में गोली चला, और हमारे जो एसडीओ मैडम है, आईएएस हैं, उनके सामने भी गोली चली है बैंक में। और ये घटना जो है, कल की घटना जो है, बहुत बड़ी घटना है। इसके लेकर के सारा व्यवसाय अपने खुद दुकान बंद करके प्रदर्शन में चल रहे हैं। और एक चीज़ और, ई रिक्शा वाला जो है वो अब कर रहा है क्या कि महिलाओं को बैठा रहा है और एकांत में ले जा करके कुछ सुंघा करके और गहना जेवर छीन ले रहा है। इस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। हालांकि FIR किया गया है, लेकिन कोई सुनवाई इस पर नहीं है। मैं चाहता हूं प्रशासन से, और हमारे SDM साहब हैं, SP साहब हैं, DIG साहब हैं, मैं मांग करता हूं कि कम से कम शेरघाटी का सुरक्षा का प्रदान करने का कष्ट करें, और नहीं तो हम लोग प्रदर्शन जो कर रहे हैं वो मौन होकर के करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से लोगों में नाराज़गी है, इनका आंदोलन यही नहीं रुकने वाला है। ये अपने आंदोलन को और तेज़ करेंगे, और इनकी मांग है कि जो पुलिस की सुस्ती है वो दूर हो, अपराधियों पे अंकुश लगे। और सबसे बड़ी बात जो दीनानाथ पांडे बता रहे थे वो ये कि यहाँ पे लगातार पिछले एक महीने में जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं हुई हैं, ये शेरघाटी के लोगों को भयभीत कर रहा है और दहशत में यहाँ के लोग कि अगर इस तरह से जो हालात रहे तो शेरघाटी किस दिशा में जा रही है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से आक्रोश मार्च में लोग चल रहे हैं, और जो ये मौन जुलूस है, लेकिन कहीं ना कहीं आक्रोश इनके अंदर है इस बात को लेकर के अपराधी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। क्या कहेंगे जो इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है? शेरघाटी अनुमंडल में क्राइम का ग्राफ बढ़ गई है, प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन प्रशासन एकदम मौन हो गई है। और एक महीने के अंदर 3-4 क्राइम हो गई है, इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन इस पे एक्टिव हो। हाँ। जो कल जो क्राइम हुई है, लूट हुई है, उसका उद्भेदन तुरंत जल्दी से जल्दी करे, नहीं करने के बाद फिर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। किस तरह की घटनाएं लगातार घट रही है यहाँ पे? लूट, हत्या, एक बार देखिए एयरटेल की लूट हो गई, वहाँ गोली लग गई एक बच्चा का। हाँ। समझे ना, लूट हत्या हो रही है, कल भी डकैती हुई है, 4 नहीं तो 6 संख्या था, और लेकिन प्रशासन बोलते हैं कि 4 था, तो 4 कहाँ था, 6 बाइक पे गया है। हाँ, दिन में 7 बजे डकैती होती है, और 52-53 मिनट के बाद प्रशासन आती है, और सिर्फ बालू माफिया, दारू माफिया के पीछे इन लोग पड़े हुए रहते हैं, लेकिन व्यवसाय पर कोई ध्यान नहीं है प्रशासन का। संतोष जी, क्या कहेंगे भाई साहब? आपको शुभकामना कि आज सबसे बड़ा पीड़ा मन में है कि हम लोग सरकार में हैं जी, एक सरकार के हम लोग और पीछे तो और बड़े बात पर कार्यरत हैं भाई। आने दिन में देखा जा रहा है कि गया जिला में खास करके जो व्यवसायी लोग पर जो हत्याएं,
डकैती लूट में लगातार बढ़ रही है। हम सरकार से मांग करते हैं, सरकार के कार्यकर्ता के वास्तव में मांग करता हूं सरकार से, हमारे मुख्यमंत्री सीएम नीतीश जी और डिप्टी सीएम विजय जी और सम्राट जी से कि व्यवसायियों का सुरक्षा दें। व्यवसायी के लिए चाहे सर्व से जो भी व्यवसाय करते हैं सभी समाज के लोग, उनका सुरक्षा बहाल करें और सुरक्षा आयोग का गठन करें। नहीं, किस किस तरह की घटनाएं हो रही हैं और पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, एक्शन लिया जाता है, अपराधी पकड़े जाते हैं, बाकी स्थिति अब डर और भय एकदम व्याप्त है व्यवसायियों में। तो बताइए कि लाइन ऑर्डर क्या बात करते हैं, हमारी सरकार लाइन ऑर्डर की बात करती है और दिखाई नहीं पड़ रहा। जैसे बगल में कल तक आप जंगल राज का नारा देते थे, जंगल राज पिछले 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है और आपके साथ उसका अलायंस है, अब जंगल राज के नारे को क्या कहेंगे आप, कैसे डिफाइन करेंगे आप? लेकिन सरकार भी महसूस कर रही घटनाएं घटी है जी, घटनाएं बराबर घट रही है। सरकार के दबे जुबान में सारे पदाधिकारी सारी सरकार के मंत्री महसूस कर रहे हैं कि बराबर लगातार बिहार में घटनाएं बढ़ी है, जो सरकार को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो सत्ता दल के लोग भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मानते हैं कि जो सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि जो आपराधिक घटनाएं हुई हैं और जो गल्ला व्यापारी है जहां की चीनी तेल और इस तरह का होलसेल का काम वो करते थे रोहित कुमार, और उनके यहां दिन दहाड़े 6 अपराधी बाइक सवार वहां पहुंचते हैं, और वो जब कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी तो जंगल राज का नारा दिया जाता था, अब क्या कहेंगे आप? अब तो उस समय लालू जी और कांग्रेस की सरकार थी, जदयू भी थे उसमें साथ है, उस समय कहता था जंगल राज है, आप तो जंगल राज नहीं महाजंगल उसमें लगा दीजिए। अच्छा, महाजंगल राज है, आए दिन रोज दिन डकैतियां, रोज दिन रेप, रोज दिन हत्या, बैंक डकैती, कोर्ट में गोली, सब तो चल रहा है। कहाँ हमारे IPS हैं, DSP SP साहब, कहाँ IAS हैं, SDO साहब, कहाँ थाना प्रभारी हैं, 6 कहाँ इंस्पेक्टर हैं? आपको क्या लगता है जो जिला बनाने की मांग में देर हो रही है, अगर शेरघाटी को जिला बनाया जाए तो ये सारी घटनाएं पर रोक लग जाएगी? जिला क्यों नहीं बना रहा है? बिहार में सबसे बड़ा अनुमंडल है ये, सारा चीज का ये ब्यौरा पूरा करता है जिला का, फिर क्यों नहीं बना रहे हैं मुख्यमंत्री? अभी जा रहे हैं कि यही घटना हो, रोज डकैती हो, रोज चोरी हो, रोज हत्या हो, रोज रेप हो। 5 साल के बच्ची के साथ ना रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, सरकार क्यों नहीं हम कुछ लगा रही है? आज से हो रहा 6 महीना से अपराधी चरम सीमा पर है, भय नाम का चीज खत्म हो गया पुलिसिया विभाग से और सिविलिया विभाग से। इस जो आंदोलन चल रहा है इसमें किस तरह के लोग शामिल हैं? सब शरीफ आदमी है, व्यवसायी है, सब रोज लगाने वाला, रोज मर्रा के खाने वाला, सब चीजें लगा करके दुकान चला रहे हैं, कोई आढ़त है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, नहीं होगा तो खाएंगे क्या, उनका कैसे चलेगा व्यवसायी रोजगार, कौन करेगा? किस तरह का खौफ है लोगों में? खौफ है कि सब बंद कर देगा दुकान, पुलिस पदाधिकारी चलावे, यही ना है, आज पुलिस लेके गाड़ी खड़ी है, पुलिस काम ले काहे लाज है, ये जुलूस में आतंकवादी है, क्रिमिनल है, गुंडा है, कि सब शरीफ है? हाँ, शरीफ के लिए गाड़ी खड़ा, अपराधी और गुंडा क्रिमिनल के लिए, रेफर के लिए और हत्यारा के लिए नहीं है, काली बालू और इसमें क्या है, दारू में सब पैसा ले रहा है।